ओके सो हाय एवरीवन, पीछे अमित भाई साहब है हमारे, हेलो एवरीवन। ओंटारियो से कैलगरी मूव होने वाले बहुत सारे लोगों में से एक है। और ये रीजन है पीछे जो आपको दिख रहा है। आज हम इनके साथ इनका घर देखेंगे कैसा है और इनका जो एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे ओंटारियो से मूव होके कैलगरी में घर लेने का, वो सारा कुछ इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन द हाउस टूर। या श्योर, डेफिनेटली, लेट्स गो। हाँ जी, तो ये घर है और ये एरिया है आपका, कॉर्नर लॉट है ना? मतलब पायलट बोलते हैं इसका, पायलट ठीक है, बोलते हैं, जिसमें आपको मतलब एक होता है कि यू नो सीधी, सो इट्स लाइक अ सेक्टर, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, हाँ सेक्टर जो एंगल होता है, राइट। सो पायलट में क्या होता है, आपको साइड की जमीन जो होती है ना वो एक्स्ट्रा मिल जाती है, ठीक है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ पायलट, ठीक है। सो इट्स लाइक, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, ठीक है। सो दैट्स पीछे बैकयार्ड आपको बड़ा मिला होगा, मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे गैराज है, 4 कार पार्किंग है, ठीक है, और यहाँ से हम एंटर करते हैं हाउस नंबर 30। सो दिस इज द एंट्रेंस जी। ओके, सो दिस इज माय डाइनिंग एरिया, डाइनिंग रूम, लेट मी जस्ट, अच्छा बिल्कुल एंट्रेंस से यहाँ आते ही राइट पे इतना प्यारा डाइनिंग रूम, या वेरी नाइस डाइनिंग रूम, जो अभी फिलहाल मेरे लिए ऑफिस बना हुआ है। ये ऊपर बेडरूम तक की स्टेयर्स, फर्स्ट फ्लोर जी, एंड दिस इज लाइक पाउडर रूम, व्हाट डू यू कॉल इट, एज पाउडर रूम होगा, हां जी पाउडर रूम, यहां पे हो गया, यहां पे हो गया, यहां पे ही वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ है। हां हां, ये गैराज डोर है, गैराज है, एंट्री, गैराज से एंट्री है ये। दिस इज माय साहिर। हाय, हाउ आर यू? गुड। व्हाट्स योर नेम? साहिर। साहिर? साहिर। साहिर? यस। पूरा नाम बताओ। साहिर ठाकुर। नाइस। ओह नाइस, माय नेम इज साहिर, nice to meet you, good, you wanna be in the video? Okay he really wants to make his own YouTube channel, le bas jab banaoge mujhe link bhej dena, theek hai? Acha, so this is kind of office room that I am planning to, oh very nice, convert into, so ye abhi filhal to store room type ban raha hai, but ye sari cheeze hata ke isko office room banayenge, theek hai, acha sa, राइट, ठीक है, पर वेट कर रहा हूँ अच्छे फर्नीचर एंड ऑल दैट स्टफ, सो दिस इज द एंट्री टू माय लिविंग रूम एंड किचन, ओ नाइस, ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ जस्ट द सिटिंग एरिया, एंड दिस इज द होल किचन, और ये डाइनिंग रूम का एक्सेस यहाँ से भी है ना, मतलब वहां से हमने देखा था, और ये खाओ वहां पे खाओ, ठीक है, ठीक है। यहाँ से फिर देन बैकयार्ड, मतलब फुल ओपन एरिया, ठीक है, और ये मेरे बेटे का स्कूल है, एंड दैट वाज द कंडीशन, अच्छा स्कूल यहीं पे है बिल्कुल सामने, वन ऑफ द कंडीशंस, हाँ जी, टू बाय अ हाउस, कि स्कूल बिल्कुल बैकयार्ड के साथ होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, या फिर बैकयार्ड के पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ओपन, हाँ जी ओपन, हम यहाँ से देख रहे हैं बिल्कुल ओपन बैकयार्ड है, बहुत बड़ा बैकयार्ड है आपका, और इतना ही है वो बाकी गवर्नमेंट, मतलब वो ठाकुर साहब यहाँ से जाते हैं स्कूल सुबह सुबह, यहीं से वापस आ जाते हैं, यहीं से वापस, ठीक है। मतलब यहाँ पे वाइड हो जाती है, ठीक है। मुझे ये डाइनिंग रूम बहुत पसंद आया, और आपने इसको डेकोरेट बहुत अच्छे से किया, अरे ये ही तो मतलब ये बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन थी इस घर की, एक बैकयार्ड और एक ये है ना, तो हमने अप्रोक्सीमेटली 30 के अराउंड घर देखे होंगे, ठीक है, पर ये जो डाइनिंग रूम वाला कॉन्सेप्ट था इस घर में, हाँ, ये कहीं नहीं मिला हमें, हर जगह ओपन कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे एक प्यारा सा ऐसे अलग से रूम बना हुआ है, हाँ, कि मतलब यू नो ओनली फॉर डाइनिंग, राइट 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 राइट, तो अब चलते हैं ऊपर, अच्छा ऊपर सारा कारपेटेड है, वो मेरे को तो वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि सास सो दिस इज द मास्टर बेडरूम, ये डोर बहुत बड़ा है, मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम वहां पे क्लोजेट है, ये नहीं ये वॉशरूम है, अच्छा ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम, इतना बड़ा वॉशरूम, यहाँ से एक और बेडरूम का व्यू है, पीछे का पूरा ग्राउंड का, और बेडरूम वो, ओ बेडरूम से व्यू कितना अच्छा है, सारा पीछे जो ओपन एरिया वो बेडरूम से व्यू है आपका, ठीक है, ये छोटा सा क्लोजेट, वहां पे भी एक क्लोजेट है, तो राइट क्लोजेट ही क्लोजेट है, प्लेंटी ऑफ स्पेस, बहुत बड़ा रूम है, ठीक है, सो ये हो गया एक, ये है रूम, एंड दिस इज अनदर रूम जी फॉर किड्स, ठीक है,
यहाँ पे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके लिए सेटिंग करेंगे, ये क्लोजेट है उनका। राइट right. अच्छा ये एक बाहर वाली क्लोजेट है, लिनन क्लोजेट। दिस इज फॉर गेस्ट, ये गेस्ट वॉशरूम है। गेस्ट वॉशरूम आ गया, ठीक है। दिस इज माय सन्स और माय डॉटर्स स्टडी रूम, ठीक है। वुड कम टेंपल यू कैन से। ओह नाइस। तो अभी मैं स्टिल, अभी शॉपिंग चल रही है तो अभी टेंपल बनवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लस ये स्टडी रूम हो जाएगा बेटे का, ठीक है। हाँ भी बच्चों का कमरा है। अच्छा ये वो कितने रूम्स हैं? दिस इज माय रूम फॉर पेरेंट्स और यू नो, ठीक है। पीपल लाइक, बट ये अभी थोड़ा मेस्ड अप है क्योंकि प्रेस वाले सारे कपड़े इधर ही डाले हुए हैं, ठीक है। एंड दिस इज माय एंटरटेनमेंट रूम। ओए होए होए होए। सो यहाँ से ये काफी बड़ा रूम है, तो ये टीवी रूम कह लो, तो इसको भी अभी हम बना रहे हैं, अभी सोफे वगैरह खरीदेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, तो फिलहाल अभी थोड़ा सा जुगाड़ कर रखा है। बहुत बहुत बड़ा रैक रूम है ये। बेसमेंट में है रैक रूम? बेसमेंट अभी फिनिश्ड नहीं है। अच्छा अच्छा, देखनी पड़ी। तो दिस इज द एंट्री ऑफ द हाउस। तो मतलब जब जिस दिन आपने बेसमेंट में रैक रूम बना लिया तो ये आपका एक हिसाब से फोर्थ इतना बड़ा बेडरूम बन जाएगा। हाँ मतलब, लेकिन मैं बेसमेंट बनाऊंगा किड्स के लिए, कुछ अच्छा अच्छा के लिए बनाऊंगा, प्ले टाइप्स यू नो, प्ले, राइट 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 स्टफ की, मतलब जहां पे सारे, क्योंकि अब मेरी एज के लोगों के सबके बच्चे हैं, घर पे आए ताकि मैं उनको बेसमेंट में डालूं, भैया तुम जाओ नीचे, राइट right. कुछ प्ले एरिया वगैरह बना देंगे वहाँ पे, और ये आपके लिए पर्सनल एंटरटेनमेंट रूम है ना, आपके आपके और आपके फ्रेंड्स के लिए। रूम स्ट्रक्चर है जिसमें, नाइस, जिसमें फायदा ये होता है कि जब आप स्पीकर वगैरह लगा दोगे तो थिएटर वाली फील आएगी। ओए होए होए होए, ठीक है। सो दैट्स माय स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तो पड़ा नहीं, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ जब यहाँ पे होम थिएटर लगेगा, प्ले स्टेशन, बीन बैग, तब ये सारा कुछ सही लगेगा। कमरे बहुत सारे हैं यार ऊपर। हाँ, बहुत सारे कमरे हैं, ठीक है। बाकी जो मजेदार चीज है ठीक है, सारे ठीक है। अच्छा इंसुलेशन वगैरह सारी हुई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जितना मैंने पता किया है, एक रूम और हॉल, किचन, वॉशरूम का पूरा बन जाएगा, मतलब बहुत अच्छे से बन जाएगा। कोट लिया हुआ आपने कितने का, मतलब अगर ये बहुत सारी जगह है वैसे, हाँ हाई एंड अगर बनाता हूँ तो 40 to 50,000, मतलब ठीक है, हाई एंड बनाता हूँ, मतलब टाइल्स $1 वाली नहीं, $100 वाली खरीदता हूँ। अच्छा अच्छा, दैट डिपेंड्स कि व्हाट यू बाय, राइट राइट राइट। तो उस हिसाब से मतलब लगा लो, बहुत टॉप का बनाऊं अगर तो 40,000 के आसपास। और वैसे भी यहाँ फ्लोरिंग तो मुझे अच्छी खासी लग रही है, ड्राई वॉल चाहिए बेसिकली, और ठीक है, लिवेबल हो जाएगा बेसमेंट। हाँ लिवेबल, मतलब मैं एयरबीएनबी सोच सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेपरेट एंट्रेंस है? नहीं, वो भी बना, वो इसीलिए ज्यादा 40,000 लगेंगे, इसलिए इंक्लूडिंग सेपरेट एंट्रेंस, सेपरेट एंट्रेंस इंक्लूडिंग, हाँ सेपरेट एंट्रेंस, वो मैंने कल ही कोट लिया है बल्कि, ठीक है। तो उसने बोला अगर एंट्रेंस नहीं है सेपरेट तो उसको बनाने का अलग से चार्ज लगेगा, तो टोटल 40,000, टोटल 40,000। और ये अगर आपको नहीं पता तो ये अजी क्या है, ये मुझे भी नहीं पता। ये फर्नेस नहीं है, फर्नेस तो ये है, ये तो हॉट वाटर टैंक है। ओ हाँ सॉरी, ये हॉट वाटर टैंक है, राइट राइट राइट, ये हॉट वाटर टैंक है। और ये सारा कुछ ओन्ड है, कुछ भी रेंटल नहीं है ना, कुछ नहीं, जब आपने प्रॉपर्टी ली थी ये सारा कुछ इंक्लूडेड था, सब कुछ इंक्लूडेड, ठीक है। ये जी घर का दिल कहते हैं इसको इनफॉर्मली, ये सब सही चल रहा है, मतलब घर ठीक चल रहा है। ये है लाइट्स, हाँ जी। तो वो वाले जो टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किन्ने दा ले आई ते किन्ने दा हो गया। तो भाई ऐसा है कि हमने लिया था ये घर 550,000 का। कब लिया था आपने? मैंने लिया है ये सितंबर एंड में, और 550 का, 550 का। और अब रियल्टर दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सो 7 months अप्रोक्सीमेटली, 7 months में जितना मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरे आसपास घर बिक रहे हैं
तो 650 तो कहीं नहीं गया, और अगर सही चल रही है मार्केट और बिडिंग ज्यादा आ रही है तो 700 जो रियल्टर ने बोला कि 700 तक इजीली बिक जाएगा। नाइस नाइस, तो 6 महीने में 1.5 लाख आपने डॉलर सिर्फ एक्विटी में कमा लिए। सो ये थोड़ा सा लक लग गया कि मतलब आप बहुत सही टाइम पे आपने मूव किया था। ओंटारियो जब सभी सोच रहे थे ना कि हाँ जी ओंटारियो से कैलगरी मूव करना है, आपने उसी टाइम कर लिया। कर लिया मैंने उस टाइम पे, एंड थैंक ऑल थैंक्स टू माय वाइफ जिसने मुझे काफी पुश किया कि चलते हैं, क्योंकि टोरंटो में एक चीज समझ आ गई थी कि या तो लाइफ जी लो राइट, या फिर मॉर्गेजेस दे दो पूरी जिंदगी, क्योंकि देखो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, जितनी और कंसिडरिंग कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मतलब आई एम श्योर कि लोग उससे मुझसे ज्यादा सैलरी भी ले रहे हों अगर और मैं लेके चलता हूँ एक बेंचमार्क की $100,000 का भी, तो $100,000 में से अगर आप सोचते हो कि टोरंटो में मिनिमम एक अच्छा घर, आपके बच्चे भी हैं ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही लोगे राइट, तो मैं बोल रहा हूँ एक टाउन हाउस भी अगर लेते हो तो वो 800 के आसपास पड़ रहा है राइट, टाउन हाउस इज टाउन हाउस राइट, तो 100,000 में स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग कि उसकी मॉर्गेजेस पे करना और फिर उसके बाद अपनी भी तो एक लाइफ है ना, अपने भी तो कल सपने हैं ना जो पूरे करने हैं, हमें भी लास वेगास घूमना है भाई, हमें भी मैक्सिको जाना है ठीक है, तो इतने ही सारे खर्चों के बीच में ना यू कांट थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स राइट, तो फिर वो एक डिसीजन लेना था, दैट वाज अ राइट डिसीजन, मतलब आई एम नॉट रिग्रेटिंग राइट नाउ, सो रिग्रेट करने वाला तो व्यू भी नहीं है और आई एग्री मतलब ये डिसीजन वैसे बहुत अच्छा डिसीजन था, आपका तो बहुत ही अच्छा डिसीजन था ये 550 का, मतलब होपफुली ये फ्यूचर में भी ऐसे ही रहे और कभी रिग्रेट ना करना को मिले, लेकिन कैलगरी मुझे लगता है कि रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, तो मुझे लगता है कि एवरीवन शुड कंसीडर कैलगरी बिफोर दे बाय एनीथिंग एनीवेयर, आई मीन स्पेशली टोरंटो, मतलब ब्रैम्पटन ऑन्टारियो रीजन, मतलब ऑन्टारियो इज इन टोरंटो के आसपास जो राइट, यू नो यू कैन कंपेयर मतलब एवरीथिंग। ठीक है, वेरी हैवी डिस्कशन बट ठीक है जी, दीज वर द पॉइंट्स जो यहाँ के अभी वेरी रिसेंट होम ओनर, अभी 6 महीने पहले घर लिया, उनके व्यू पॉइंट्स आपने जाने, आपने घर देखा, उसके बाद तो देखो जैसे इन्होंने कैलकुलेशंस की थी, आपको भी अपने लिए कैलकुलेशंस करनी चाहिए, एंड देन आई विल ऑल्सो से कंसिडर कैलगरी, मुझे भी बहुत पसंद आया शहर। नहीं मैं वैसे रहने तो थोड़ी देर आऊंगा, अभी वहां पे थोड़ी सेटिंग करूं जो करनी है, तब तो मैं बेसमेंट बना लेता हूं, तू आ रहा है तो मैं तेरे को दे दूं। डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है जी, सो दिस वाज द हाउस टूर, दिस वाज द डिस्कशन अबाउट हाउसेस एंड होम ओनरशिप इन जनरल, सो दैट्स प्रीटी मच इट, एंड आई होप इट हेल्प्स।